पहचान लेते हैं कि वो कौन कौन सा रीज़न है जिनमें से जिसके वजह से हमारे शरीर में हमारा वेट बढ़ता है। तो सबसे पहले जो सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो है हाई कैलोरी इनटेक। कोई भी इंसान अपने काम करने में सारे दिन में जितना एनर्जी खर्चा करता है, अगर वो लोग जो खाना खाते हैं उसमें उन लोगों को जो एनर्जी मिलता है, अगर वो एनर्जी जितना वो लोग खर्चा करता है उससे ज़्यादा होता है, तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी होता है वो उसके शरीर में फैट की दर पर स्टोर हो जाता है, तो इसके वजह से उसका वेट बढ़ता है। दूसरा जो रीज़न है वो है शुगर। अगर कोई भी इंसान शुगर ज़्यादा खाते हैं, ऐसा कोई फूड खाते हैं जिसमें शुगर ज़्यादा परिमाण में प्रेजेंट होता है, तो उसके शरीर में ब्लड में शुगर का परसेंटेज बढ़ जाता है। और किसी के शरीर में अगर शुगर का परसेंटेज बढ़ता है तो वो एक रीज़न होता है उसका वेट बढ़ने का, क्योंकि शुगर ब्लड में अगर शुगर बढ़ जाता है तो वो हेल्प करता है फैट को स्टोर होने में अपने शरीर में। तीसरा जो रीज़न है वो है स्लीप। अगर कोई भी इंसान वो दिन में कितने टाइम सोता है वो उसके ऊपर भी वेट कंट्रोल होता है। अगर कोई भी इंसान कम टाइम सोता है तो उसका वेट ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर कोई इंसान अपने सोने के टाइम मेंटेन करता है और 7 से 8 घंटा सोते हैं तो उसका वेट कम बढ़ता है। चौथा जो पॉइंट है वो है स्ट्रेस। अगर कोई भी कोई भी इंसान स्ट्रेस रहता है तो उसके शरीर में जो एड्रेनालिन हार्मोन होता है वो कॉर्टिजोल नाम के एक एंजाइम रिलीज करता है जो हमारे शरीर में फैट को स्टोर करने में मदद करता है। पांचवा जो सबसे बड़ा कारण है वो है फैट। सब फैट दोनों टाइप का होता है, एक होता है सैचुरेटेड फैटी एसिड, दो होता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है वो हमारे शरीर में इतने जल्दी डाइजेस्ट नहीं हो पाता है और वो शरीर में फैट की दर पर स्टोर होके रह जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है हमारे शरीर का वेट बढ़ने का। अब